जिले में लोगों के कार्ड नहीं बने हैं क्या? सीमो साहब ने तो दावा किया कि 1,28,000 कार्ड बन चुके हैं। जी सर बन रहे हैं, कार्ड बने भी हैं, लेकिन इसका नहीं, इस महिला का नहीं बना है अभी तक। आप सभी लोग जान रहे हैं कि प्रोग्राम नया है, हो सकता है कि आयुष्मान मित्र को दो सॉफ्टवेयर हैं BIS और TMS, इनमें किसी पे भी काम करने में प्रॉब्लम आ सकती है। एक प्रॉब्लम आ रही है वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। इंटरनेट कनेक्टिविटी में क्या है कि स्पीड हमें कम मिल पा रही है, जिसकी वजह से कभी कभी कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है। मेन प्रॉब्लम तो यही है यहाँ पे, अदरवाइज ट्रेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आयुष्मान भारत में हमारे पास अभी तक 2 पेशेंट जो है वो यहाँ भर्ती हो चुके हैं और उसमें हमारे पास करीब 25 कार्ड बन चुके हैं यहाँ पे, जो गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट हमारे पास वेटिंग में है, जैसे हर्निया के 2 पेशेंट हैं, हाइड्रोसील के 2 पेशेंट हैं, ये हमारे पास वेटिंग में है, क्योंकि इनसे बात की गई तो ये बोले कि हम अभी थोड़ा सा और ज़्यादा आ जाएगा तो हम सर्जरी कराएंगे। इस जनपद में कमी नहीं, हमारे जनपद में कहीं अवेयरनेस की कमी नहीं है, प्रचार प्रसार भरपूर कराया जा रहा है। कल भी हम लोगों ने जो है आम घाट, इसौली घाट, रीच घाट, ठेंगा के पास सभी जगह प्रॉपर होर्डिंग बैनर सब लगा दिए गए हैं। जिला चिकित्सालय में, तहसील कलेक्ट्रेट पे, गौरीगंज में, अमेठी, जगदीशपुर, सभी जगह रेलवे स्टेशन, सभी जगह जो होर्डिंग बड़े बड़े लगा दिए, जिससे प्रचार प्रसार हो रहा है। ये है, कोई बीमार होगा तभी आएगा इलाज का लाभ के लिए। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं गाँव गाँव सबका प्रचार प्रसार हो, आशा के माध्यम से, ANM के माध्यम से, बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, स्कूलों में सभी जगह प्रचार हो ताकि लोग इलाज कराने के लिए आए।